हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल एआरटी सेंटर को एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से प्रदेश स्तर पर बेस्ट पुरस्कार से नेशनल यूथ डे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मानित किया। पुरस्कार का श्रेय सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर प्रीतम कुमार शर्मा तथा उनकी टीम के सदस्यों को लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में एचआईवी तथा एड्स पीड़ितों को स्वास्थ्य केंद्र में ये दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल एआरटी सेंटर को एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से प्रदेश स्तर पर बेस्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार का श्रेय सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर प्रीतम कुमार शर्मा तथा उनकी पूरी टीम के सदस्यों को जाता है, जिन्होंने लोगों को बेहतर सुविधाएं दी हैं। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में एचआईवी तथा एड्स पीड़ितों को स्वास्थ्य केंद्र में ये दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डॉक्टर प्रीतम कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों को सलाह दी है कि वह एआरटी सेंटर में एचआईवी की अवश्य जाँच करवाएं। हमारा जो एआरटी सेंटर है, जो कि हमारे अधीन है, जिला एड्स प्रोग्राम के अधीन है, वो सबसे जो है बेस्ट एआरटी सेंटर हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाया गया है। और पीछे 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमारे एआरटी सेंटर को एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी, यहाँ पे जो एचआईवी और एड्स पीड़ितों के लिए जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, उनकी सुविधा के लिए जो भी टेस्ट हैं उसके लिए हमें प्रथम पुरस्कार जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला है। और इसके साथ साथ ही जो हमारा एसटीआई क्लिनिक चलता है, जिसमें के महिलाओं और पुरुषों के गुप्त रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है और मुफ्त जो है दवाई उपलब्ध की जाती है, उसको भी पूरे हिमाचल प्रदेश में हमें द्वितीय स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। तो हमारी पूर्ण कोशिश रहती है और हमारा ये उसी का परिणाम है कि हमें ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं अपने मरीजों को दे पाएं।